स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह में से एक है। अगर धरती पर जन्नत की बात करें तो सबसे पहले नाम इसी देश का आता है। शायद ही कोई ऐसा हो जो स्विट्जरलैंड घूमना ना चाहता हो। लेकिन क्या आप जानते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में मज़ेदार और रोचक तथ्य? स्विट्जरलैंड को समझने से पहले आइए हम जानते हैं कुछ इसके बारे में ऐतिहासिक और राजनीतिक सत्य। स्विट्जरलैंड सदियों से तटस्थ देश रहा है, जिसका अर्थ है कि ये कभी सशस्त्र संघर्ष में भाग नहीं लेता। इनकी सेना सिर्फ आत्मरक्षा के लिए अस्त्र के नाम पे सिर्फ रेड कलर का चाकू रखती है। स्विट्जरलैंड का मुख्य शहर और पर्यटक स्थल ज्यूरिख, जेनेवा, बर्न, बासल, इंटरलोकन, लोजान, लुत्सर। स्विट्जरलैंड के लोगों का जीवन स्तर दुनिया में सबसे ऊंचे जीवन स्तरों में से एक है। चार्ली चैपलिन ने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल स्विट्जरलैंड में ही बिताए थे। स्विट्जरलैंड का विज्ञान दिवस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को समर्पित है। स्विट्जरलैंड की राजभाषा जर्मन, फ्रांसीसी, इतावली है। दुनिया का पहला पोर्टेबल कैसेट प्लेयर स्विट्जरलैंड में हुआ बना था। दुनिया में सबसे ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक की खपत स्विट्जरलैंड में होती है। स्विट्जरलैंड में गाय को लीज पे दिया जाता है। स्विट्जरलैंड की घड़ियाँ अपनी गुणवत्ता और शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध है। सबसे प्रसिद्ध ब्रांड रोलेक्स, ओमेगा, स्विच, पाटेक, फिलिप, ये सारे स्विट्जरलैंड की घड़ियाँ हैं। स्विट्जरलैंड अपने उच्च गुणवत्ता वाले चॉकलेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फेमस है। ये ढेर सारी चॉकलेट बनाते भी हैं और खाते भी हैं। यहाँ की 25% आबादी विदेशी है। मानचित्र पर अगर इसे देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बहुत छोटा देश है। किसी बच्चे को नाम देना हो जो बच्चे के हितों को नुकसान पहुंचा सकता हो, स्विट्जरलैंड में गैर कानूनी है। इसलिए आप अपने बच्चों का नाम अपनी इच्छा अनुसार नहीं रख सकते। यहाँ पर 7,000 झीलें हैं। जेनेवा झील स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी झील है। अगर आप इंडियन नागरिक हैं और स्विट्जरलैंड की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए वहाँ पर 10 साल रहना होगा। स्विट्जरलैंड के नागरिक को 18 वर्ष की आयु से लेकर 44 वर्ष की आयु तक सैन्य प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर स्विट्जरलैंड में है। अलेस्य ग्लेशियर अल्पास का सबसे बड़ा और सबसे लंबा ग्लेशियर है, जो 66 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करता है। अगर बात करें बॉलीवुड के फिल्मों की तो इसकी सबसे ज़्यादा शूटिंग स्विट्जरलैंड में हुई है। खासकर यश चोपड़ा की फिल्में अगर देखी जाए तो जो लोग भारत से स्विट्जरलैंड चले गए, भारतीय दूतावास के अनुसार स्विट्जरलैंड में भारतीय समुदाय की संख्या लगभग 25,000 के आसपास में है, जिसमें से 7,000 लोग भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जिसमें से अधिकांश लोग प्रोफेशनल्स हैं। ये लोग सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएँ, फार्मास्यूटिकल उद्योग से जुड़े हुए हैं और अनुसंधान एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ये मैक्सिमम ज्यूरिख, जेनेवा, बेसल, वार्डेन, बर्न और लॉजेन में रहते हैं तथा स्विट्जरलैंड में 1,000 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। प्रत्येक प्रमुख शहर में एक मंदिर, योग और ध्यान केंद्र की लोकप्रियता है और यहाँ तक कि स्विस सेवा संस्थान में स्वास्थ्य बीमा द्वारा आयुर्वेदिक उपचार को मान्यता दिया गया है। भारतीय संस्कृति का प्रभाव पूरे स्विट्जरलैंड में देखा जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया
शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।